हर दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे, इन टर्म्स ऑफ इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले क्वार्टर के और ईयर के मुकाबले, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जानेंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा दोस्तों हमारा इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करना, और फाइनली हम लोग बात करेंगे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे क्रैश होने से पहले, गिरने से पहले कोविड लेवल, प्री कोविड लेवल की बात करें तो ये स्टॉक अराउंड जो है 800 रुपए के भी ऊपर चल रहा था। इसके बाद जब स्टॉक में गिरावट हुई थी तो स्टॉक 830 रुपए के आसपास का जो है 500 रुपए के आसपास स्टॉक में जो है लो लगाया, और वहां से हम लोग देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है रिकवरी के मोड में है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्री कोविड लेवल देखे तो वहां से अभी भी स्टॉक जो है डिस्काउंट पे चल रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि कौन से लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कौन सा पॉइंट अच्छा होगा जहां पे हम लोग स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। तो टेक्निकल जब सेक्शन एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये भी चीज देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा स्टॉक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे, यहाँ पे सारे जो आंकड़े हैं वो इन करोड़ में है। अगर हम लोग कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में हुआ है 580 करोड़। अगर हम लोग इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पे होता 370 करोड़। तो क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखें तो बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से इनके जो है स्टोर्स बंद थे, तो उसके वजह से यहाँ पे जो है 370 करोड़ के आसपास इनका इनकम था। तो वहां से जिस हिसाब से अभी नॉर्मलाइज हो रही लाइफ कोविड 19 के बाद, तो वहां पे हम लोग कंपनी के जो है इनकम में बढ़ोतरी देख सकते हैं। कंपनी के लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो वहां पे था 623 करोड़। तो वहां से अभी भी जो है पूरी तरह से रिकवरी हम लोग देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी जो है इनकम में गिरावट है। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस हुआ है 480 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो वहां पे होता 338 करोड़। और हम लोग लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे हुआ था 549 करोड़। दोस्तों मेजरली ये जो है एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वजह से हुआ है, और उसी का जो है परिणाम हम लोग इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं इस कंपोनेंट में, जिसके वजह से यहाँ पे जो है कंपनी के एक्सपेंस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम लोग मेजर पॉइंट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करते कितना हुआ है तो 75 करोड़ हुआ है प्रॉफिट क्वार्टर टू में। अगर हम लोग यहाँ पे इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे होता 24 करोड़। तो जिस हिसाब से यहाँ पे जो है इनके ऑपरेशंस अभी जो है अच्छे तरह से रिज्यूम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो है कंपनी की यहाँ पे जो है प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा बढ़ते हुए देख सकते हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो वहां पे होता 70 करोड़ के आसपास का। तो ईयरली बेस पे कंपनी का जो है परफॉर्मेंस ओवरऑल ऐसा देखा जाए तो प्रॉफिट आया है, बढ़ के आया है कंपनी का। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेस पे जो है कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया है। तो बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो 16,394 करोड़ की जो है कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 660 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग 52 हाई देखें तो 830 रुपए के आसपास था ये। अगर मार्केट गिरते वक्त ये स्टॉक की प्राइस देखें तो अराउंड 500 रुपए के आसपास स्टॉक जो है आ चुका था। अगर हम लोग कंपनी की पी की बात करें तो यहाँ पे पी का जो स्टॉक का पी है वो चल रहा है 79.9 पे, यानी कि 80 पे। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो काफी महंगे दामों पे करंटली जो है कंपनी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी का 1,248, और यहाँ पे मार्केट कैप और रिजर्व को देखें तो वहां पे हम लोग डेप्थ को कंपेयर करें तो एक बहुत ही कम डेप्थ है कंपनी के ऊपर, तो वर्चुअली कंपनी डेप्थ फ्री है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर का आज के डेट में कोई भी शेयर जो है गिर भी नहीं है। तो देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 5 साल का। तो यहाँ पे हम लोग 2016 से 2020 तक का सारा डेटा देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम था 1715 करोड़ 2016 में। 2020 की बात करें तो वो पहुंच चुका है 2419 में। और अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे हर साल यहाँ पे धीरे धीरे कंसिस्टेंटली कंपनी का टोटल इनकम बढ़ रहा है, तो पिछले 4-5 साल से कंपनी ने जो है कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे दिया है, टोटल इनकम अच्छा खासा डिलीवर किया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी उसी रेट में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मेजर कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो जिस हिसाब से कंपनी का इनकम बढ़ता है उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंडिचर भी इस तरह की कंपनी में बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं। कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें तो 22 करोड़ पे आउट कर रही थी इसका इंटरेस्ट 2016 में। 2020 की बात करें तो पहुंच चुका है 16 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट जो है बहुत ही कम है कंपनी के ऊपर, तो वर्चुअली कंपनी डेट फ्री हम लोग कह सकते हैं। फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 120 करोड़ है नेट प्रॉफिट 2016 में। और यहाँ पे हम लोग देखें तो हर साल ये कंपनी का नेट जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, 226 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था मार्च 2020 में। तो देखा जाए तो फंडामेंटल बेसिस पिछले 4-5 साल में बहुत ही बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। चलिए दोस्तों करते हैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम लोग प्री कोविड लेवल देखें मार्च
पहले का, तो वो स्टॉक जो है 750-800 के रेंज में चलता था। जब मार्केट गिरा तो ये स्टॉक ने लगभग लगभग जो है 500 रुपए का लो टच किया, और वहां से देखे तो स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी आई थी। लेकिन वहां से देखे तो जो ये बिजनेस करता है फुटवेयर का, तो लॉकडाउन की वजह से इसके फुटवेयर के बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ, जिस हिसाब से दूसरे बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसकी जो है फिर से यहाँ पे स्टॉक जो है 600 रुपए के आसपास आया, और वहां पे स्टॉक ने जो है अच्छा खासा सपोर्ट किया, और वहां से धीरे धीरे अभी जो है स्टॉक में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछले 2-3 महीने से स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के दूसरे इंडिकेटर्स बारे में। अगर हम लोग आरएसआई का नंबर देखें तो निकल कर 50 के आसपास, और जिस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे मूवमेंट देखें इस एरिया में, तो ये कंसिस्टेंटली जो है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है कंपनी का स्टॉक। तो उस हिसाब से कंपनी का आरएसआई भी एक लगभग लगभग जो है एक सेम रेंज में यहाँ पे चलते हुए हमें नजर आ रहा है। कंपनी के दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें तो एमएसडी चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, जिस हिसाब से इस एरिया में जो है एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बन रहा था कैंडलस्टिक का, तो उसी का इंपैक्ट हम लोग जो है यहाँ पे एमएसडी चार्ट पे भी देख सकते हैं। कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड पे भी हम लोग जो है कंसोलिडेशन जोन जो है क्लियरली देख सकते हैं। इसके जो दोनों अपर और लोअर बैंड है वो नैरो हो चुके हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है जोन में, यानी कि अगर हम लोग लोअर बैंड की बात करें तो 648 और अपर बैंड की बात करें तो लगभग 680, तो इसी रेंज में कंपनी का स्टॉक जो है लगभग पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं तीनों मूविंग आसपास ही कंपनी का जो स्टॉक चल रहा है, तीनों मूविंग एवरेज मतलब 50 का, 100 का और 200 का, तो तीनों मूविंग एवरेज के आसपास जो है कंपनी का करंटली स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कंपनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन प्योर पॉइंट चार्ट। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी का पहला रेजिस्टेंस देखें जो निकल के आ रहा है 700 रुपए के आसपास, कंपनी का दूसरा रेजिस्टेंस देखें तो जो निकल के आ रहा है 740 रुपए पे। कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 620 रुपए पे, उसके बाद है नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 570 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सितंबर अक्टूबर का यहाँ पे चार्ट देखें तो स्टॉक जो है थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है लेवल्स में। अगर हम लोग ये लेवल की बात करें तो 630 रुपए से लेके जो है 680, ये जो रेंज है इसके बीच में ही स्टॉक जो है करंटली ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है स्टॉक इस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है 720-730 के आसपास। अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशंस के बारे में बात कर ले तो अगर आपकी स्टॉक में होल्डिंग होगी, अगर आप यहाँ पे लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, तो कंपनी को आप होल्ड कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और देखा जाए तो कोई इश्यू नहीं है। जो इसका प्रीकोविड लेवल है 750-800 के आसपास का, वहां पे डेफिनेटली कंपनी जाएगी, लेकिन थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा स्टॉक को। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के फ्रेश पोजीशन की बात कर रहे हैं तो करंट लेवल पे जो निकल के आ रही है यहाँ पे 660 रुपए के आसपास, तो उसको वहां पे भी आप जो है एज अ इन्वेस्टर पॉइंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव निवेशक को आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, तो आप जो है इस लेवल पे, आप करंट लेवल पे जो है 630 के लेवल पे आप वेट कर सकते हो, प्लस माइनस 5 या 10 रुपीज। वहां पे भी आप स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों अगर तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी ने पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दिया है, कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, ओवरऑल कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है इंक्रीज हो रही है। कंपनी के डेप्थ की बात करें तो कोई डेप्थ नहीं है, प्रमोटर का कोई शेयर प्लेज नहीं है, स्टॉक का मूवमेंट भी ओवरऑल अच्छा है, अच्छा खासा सपोर्ट ले रही है कंपनी, करंट लेवल पे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रही है। तो लंबे टाइम का अगर आपका नजरिया होगा तो ही आप इस स्टॉक में निवेश कीजिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाने का दमखम ये स्टॉक जो है रखता है। दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।